हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ ह्यूज नायका हॉल। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मुझे पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिला कि मैं कहाँ बैठकर ये हॉल शूट करूँ। एक्चुअली हॉल में आज संडे है तो जय बैठ के टीवी देख रहे हैं हॉल में, तो वहाँ आवाज़ें आ रही हैं। दूसरे रूम में मीठी है, बदमाशी कर रही है, तो मैंने डोर बंद किया बेड साइड टेबल से। ये बेड साइड टेबल है जहाँ मैं बैठी हूँ, तो यहाँ से मैंने लैम्प वैम्प हटा दिया और यहाँ कॉर्नर में आकर बैठी हूँ। लेकिन फिर भी मीठी यहाँ पहुँच चुकी है, मेरे पीछे है, जो कैमरे को टारगेट करने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से इसको हिला दे। तो एनीवेज, ये सब सारी कहानियाँ मैं नहीं सुनाती हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ आज का नायका ह्यूज नायका हॉल। तो नायका में ये जो शॉपिंग है ना, मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिया था। आई मीन अराउंड 20 to 30, मतलब समझ लो एक महीना हो चुका है। मैं इसमें से प्रोडक्ट यूज़ भी कर रही हूँ, वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ, बट एक प्रॉपर हॉल आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। तो सोचा कि चलो आज वो कर ही देते हैं। रोज़ मैं टाल रही थी कल करते हैं, लेकिन फाइनली नहीं, सोचा आज तो कर ही लेते हैं बस। तो चलिए, ये है ब्राउन बॉक्स नायका का। तो इसमें ऐसे तो चीज़ें सारी निकल चुकी थी, यूज़ हो रही थी, तो अब मैं एक एक करके सारे मैंने इसमें वापस डाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले जिसको दिखाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये प्रोडक्ट। इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट रिव्यू वीडियो जो है वो ज़रूर लाऊँगी। तो ये है एक टोनर। तो ये है ऑर्डिनरी ब्रांड का टोनर और आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ तो हुआ नहीं, लेकिन जो यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट ना, उनको पता होगा कि इतना भी अगर मैंने यूज़ किया है ना एक महीने में, तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना होता है और क्या कहते हैं, रेगुलर भी यूज़ नहीं करना होता है, मतलब 2 से 3 दिन के गैप पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी यूज़ हो गया है। तो इसके कितने फ़ायदे हैं, मुझ पे कितना असर हुआ, मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, ये सारी चीज़ें बाद में, मैं बस बताती हूँ कि ये है क्या। तो ये है ऑर्डिनरी ब्रांड, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडिया में भी नायका पे मिल रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है और अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बाकी दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड की तरह बहुत महंगे नहीं है, बहुत चीप प्राइस में इसके सारे प्रोडक्ट हैं। तो अगर आपके चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये टोनर जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, लाइक मेरे डैंड्रफ पे, मैं एक चीज़ तो अभी वीडियो में बता देती हूँ। तो जैसे इसके मैंने बहुत सारे जो यूजेस हैं वो देखे थे, पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फेस पे तो यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए बहुत ही है कि अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप पहले इसको पैच टेस्ट कर लो साइड में या हाथ में कहीं पे भी, तभी जाकर आप स्किन पे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए ये नहीं बना हुआ है। इसमें जो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड जो है इसमें 7% है। तो स्किन पे यूज़, मतलब फेस पे यूज़ करने के अलावा इसके बहुत सारे दूसरे यूजेस भी है। फेस का तो मैंने जैसे बता दिया कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, फाइन लाइंस हैं, अगर आपके वो जो पिंपल के बाद जो पिंपल जाने के बाद जो निशान रह जाते हैं, उस तरह के कुछ भी अगर चेहरे पे आपके निशान है, तो उस पर बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो अब मेरे पे कितना काम किया है, एक महीने में कितना क्या रिजल्ट है, वो सब चीज़ें डिटेल वीडियो में मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इसके ना मैंने और भी दूसरे यूजेस पढ़े थे, तो उसमें ऐसा था कि आप इसको अपने डैंड्रफ अगर है आप पे, तो आप वहाँ, इसमें एक बहुत अच्छा ऐसा नोजल बना हुआ है जिससे आप ईजिली यूज़ कर सकते हो, तो अपने डैंड्रफ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फटी एड़ियाँ हैं तो आप उस पर कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और स्किन अगर चेहरे पर तो रेगुलर यूज़ नहीं करना होता, लेकिन अगर आप अपने मतलब एड़ियों वगैरह पर यूज़ कर रहे हो ना, तो इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा लाइक जैसे आपके ये वाला जिनका ब्लैक हुआ रहता है वो, उसके लिए, या फिर अंडर आर्म्स जिसके ब्लैक हो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ना ये बहुत अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो ये सब देख करके ना मैंने ऑर्डर किया है और मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर यानी कि 2 दिन के गैप पे। और कैसे यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगी। तो ये जो है टोटल है 240 ml और इसके 2 to 3 drops ही यूज़ करने होते हैं, तो 2 to 3 drops यूज़ करने होते हैं। और तो उस हिसाब से ये 250 ml ना बहुत यूज़ बॉटल है। आप सोच रहे हो कि क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो 950 के अराउंड शायद इसकी प्राइस है, तो मैं बता दूं कि लोगों को लग सकता है कि भाई महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है, क्योंकि आप, इसका लिंक वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो भी है ऑर्डिनरी से। एक्चुअली मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर किया था और मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा, मैं भी
डर रही थी कि पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें मुझे और लेनी थी, तो मैं सबसे पहले ये दो चीज़ें मंगाती हूँ अगर कैसा लगता है उसके बाद। तो दूसरा पीलिंग सॉल्यूशन, तो ये है AHA 30% BHA 2% पीलिंग सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी का है और ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये तो सबसे ज़्यादा। तो ये एक तरह का पीलिंग सॉल्यूशन है जो कि पूरी तरह से रेड, मतलब अगर आप लोगों ने वीडियो कभी देखा होगा इसका तो ये बिल्कुल ब्लड रेड की तरह दिखता है ये, आप देखो इस तरह का कुछ है टेक्सचर। और इसके भी मैंने बहुत सारे फ़ायदे सुने हैं, अभी मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ किया हुआ है तो इसके भी मैंने बहुत सारे फ़ायदे सुने हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कितना क्या, क्योंकि थोड़ा टाइम देना होता है किसी प्रोडक्ट को, और दूसरी बात है कि इसे वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। जो कॉस्ट मुझे आई थी इसका प्राइस मैं 750 रुपीज़, और जैसा मैंने बताया कि इसको भी सिर्फ वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट इसको चेहरे पे रखना है, देन वॉश कर लेना है। इसको यूज़ करने के भी तरीके हैं, मतलब ये सब सारी जो किस तरह से इसे यूज़ करना है वो सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो और इसका भी एक डिटेल वीडियो है जो रिव्यू है, मैं ज़रूर लाऊंगी। तो ये था कुछ डिफरेंट जो मैंने ऑर्डर किया था, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत बार यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह के बॉक्स में आता है ये छोटा सा बॉटल है, 30 ml है इसका। मैंने इसको दोनों के ही मैंने यूजेस के वीडियो डाले हुए हैं, वो भी जाकर आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, और इनका लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो ये था जो मैंने कुछ अलग ऑर्डर किया था। तो ये है एनोमली का शैम्पू, आप देख सकते हो कि मैंने शैम्पू, और ये कुछ इस तरह से ही आया था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो मैं बड़ा चौंक गई थी, मुझे लगा था कि रियल प्रोडक्ट है या फेक है क्या है, ऐसा सेलो टेप लगा हुआ था इस तरह से, और इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ये धीरे धीरे बॉटल में सेटल हो रहा है, तो ये देखो आप यहाँ तक आया है। तो ये है एनोमली जो प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है, तो इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। तो इसके बहुत अलग अलग भी शैम्पू है, मैंने जो ऑर्डर किया हुआ है वो है हाइड्रेटिंग शैम्पू, हाइड्रेशन फॉर ड्राई हेयर। तो आजकल मेरे बहुत ज़्यादा ये, जब से मैंने कलर किया है अपने हेयर ना, आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई और फिजी सा रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला शैम्पू जो है वो ऑर्डर किया था। अच्छा खासा मैंने यूज़ किया है 1 महीने के अंदर, इतना अगर वीक में मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ तो उस हिसाब से मैंने अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। अच्छा शैम्पू है, प्लास्टिक काफ़ी ऐसा थिन सा है, और ये चीज़ मेंशनड है, और यही मुझे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है थिनर लेस प्लास्टिक बॉटल यहाँ पे मेंशनड है, यही रीज़न था कि शायद इन्होंने इस तरह से सेलो टेप वगैरह लगा करके ऐसे भेजा हुआ था। तो मैं जितना यूज़ कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यही बताऊँगी कि मैं हैप्पी हूँ, मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि बहुत मिरेकल प्रोडक्ट है, एकदम बिल्कुल ही आपका बाल बिल्कुल शाइनी और ये सब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे शैम्पू करते हो और उसके बाद कंडीशनर लगाते हो, आपका जो भी फेवरेट कंडीशनर है उसे आप यूज़ करते हो, तो उसके बाद आपके हेयर मतलब अच्छे से वॉश होता है, शाइनी दिखता है, 2 से 3 दिनों तक बड़ा, जैसे कि शैम्पू के बाद आपको फील होता है 1 से 2 दिनों तक आपके अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, वैसा डेफिनेटली इससे फील होता है। तो अभी तक मैं इससे हैप्पी हूँ। इसका भी एक रिव्यू वीडियो जो भी पड़ा हुआ है मेरे पास, बस उसे एडिट करके मैं डालूंगी, आप लोगों को 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। तो ये हो गया 325 ml, और इसका जो प्राइस है यहाँ मेंशन नहीं है और मुझे याद नहीं है, तो आपको वो मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। डिस्कती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो अब जो चीज़ें मैं दिखाऊंगी वो होंगे मेकअप रिलेटेड। तो सबसे पहले ये स्विस बेबी का कंसीलर है, मैं इससे पहले तक फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही थी, बाकी सारे मेकअप जो भी हैं वो फिर भी मेरे पास 1-2 ब्रांड के होते थे, बट कंसीलर मैंने हमेशा से बस फिट मी का ही यूज़ किया था। लेकिन मैं एक और चीज़ ऑनेस्टली बता दूँ कि ये पैक जैसे ही ख़त्म होगा मैं फिर से फिट मी ही मंगाने वाली हूँ, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पता नहीं, ऐसा मैं कंपेयर कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, अभी भी मैंने मेकअप किया हुआ है तो इसी कंसीलर से किया हुआ है, तो शेड वगैरह नहीं। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा फील होता है कि इसे ब्लेंड करने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है, थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही है, मतलब जैसे होता है कि आप कंसीलर जिस जगह पर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ क्या होता है कि इसे लोकल एरिया में ही जस्ट ब्लेंड करना होता है, पूरे फेस पे नहीं करना होता है, लेकिन ये इतना लिक्विड ही है कि बड़ा मैंने आप ब्रश को कंट्रोल नहीं कर पाते हो अगर आप करते हो, इसलिए मैं ऊपर से मैं इसके लिए छोटा वाला जो ब्रश है ना वो यूज़ करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर तो बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से लगता है कि बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता जा रहा है। तो बस एक ये छोटी सी प्रॉब्लम मुझे इससे लगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि केकी वेकी बिल्कुल नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है। और इसका प्राइस वगैरह भी मैं मेंशन कर दूंगी, और मैंने जो शेड लिया हुआ है वो है 04 स्विस ब्यूटी का। पैकेजिंग वगैरह ओवरऑल अच्छा है, सुंदर है,
और मैंने इसे भी अच्छा खासा यूज़ कर ही लिया है। अब देखोगे यहाँ पे तो इतने इतने तक बॉटल खाली हो चुका है। तो एक्चुअली रोज़ एक दो दिन में मैं मेकअप वीडियो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, और आने जाने में भी अगर आप रेगुलर नेचुरल मेकअप भी करते हो तो कंसीलर का यूज़ तो हो ही जाता है, तो कंसीलर यूज़ हो रहा है तो वो हो गया। अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो ये है एक कॉन्टोर स्टिक है। कॉन्टोर मेरे पास पाउडर बेस में दो था, एक स्टिक था लेकिन उसका मुझे ब्रांड याद नहीं आ रहा, वो बड़ा सस्ता सा मुझे अमेज़ॉन पे मिला हुआ था, तो वो बहुत अच्छे से मैंने उसको यूज़ किया था। वो कुछ ऐसा था कि इधर आपका दोनों तरफ से थे, एक तरफ कॉन्टोर था दूसरी तरफ कंसीलर स्टिक कह सकते हैं वो था, और वो मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद मैंने स्टिक ही लेना था मुझे, इसलिए मैंने ये वाला लिया, और ये बहुत ही चीप है। इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मैं आपको नीचे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, यहाँ 595 लिखा है, बट मैंने इतना पे नहीं किया था। ये एले गर्ल का ब्रॉन्जोर कॉन्टोर स्टिक है, एले गर्ल वेलवेट वॉन्जो ब्रॉन्जोर कॉन्टोर स्टिक, और कुछ इस तरह का पैकेजिंग है, छोटा सा है, आप कहीं भी मतलब कैरी कर सकते हो ईज़िली, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं आना जाना है तो आपके पर्स में बड़ा ईजिली आ जाएगा ये। तो इसे भी मैंने अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। शेड वगैरह, शेड तो शायद इसमें नहीं था, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे। तो ये एक कॉन्ट्रा स्टिक मैंने लिया और इसे यूज़ भी कर रही हूँ, अभी भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये था, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, कलर बार का लिपस्टिक। मुझे जो है ना, अगर लिपस्टिक्स की बात कही जाए, मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं, कभी मैं कलेक्शन शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन जो डोमिनेटिंग कलर शेड जो है मेरे बॉक्सेस में जो ज़्यादा हैं वो है रेड, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। रेड जो है अक्सर मतलब अगर साड़ी पहनना हो, सूट पहनना हो, इवन पार्टी लुक के लिए भी, मैं बड़ा ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ रेड पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप रेड लगा लो तो एक रेड मिलेगा आपको, एक मिलेगा न्यूड। न्यूड का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, तो और न्यूड मुझे ना बड़ा जल्दी पसंद आता है। कुछ देखूंगी, मुझे ये लेना नहीं था, मैं जैसे नायका स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये दिखा, तो मुझे इसका ना ये शेड बहुत अच्छा लगा न्यूड में, तो और इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच में ही अच्छा लगा। एक दो लिपस्टिक कभी कभी ऐसा होता है ना, आप मंगा लेते हो और उसके बाद अप्लाई किया पसंद नहीं आया तो वो आपके बस स्टोरेज में, बॉक्स में जगह बस वो ले रहा होता है, वो आप यूज़ कभी नहीं करते, वो पड़ा रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड जो है वो है 007 हाउते लाते, मगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो यही कुछ है, 007 शेड है। पैकेजिंग इसकी बड़ी प्यारी सी है, बड़ा सुंदर सा है। कलर बार का मैंने कभी कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम मैंने कोई लिपस्टिक यूज़ किया है। इसका एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ मैंने अप्लाई करते हुए दिखाया है, यहाँ भी आपको साइड में स्क्रीन पे मिल जाएगा किस तरह से इसे अप्लाई कर रहे हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको शेड जो है वो आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत प्यारा सा है और लिक्विड ये है। तो इसके साथ आपको क्या है कि बहुत मतलब हमेशा न्यूड कलर जो होता है उसके लिए आपको लिप लाइनर वगैरह और बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है ताकि उसका लुक अच्छा आए, क्योंकि इंडियन टोन पे ना सारे न्यूड कलर जो है वो नहीं सूट करते हैं, नहीं अच्छा जाता है। तो अगर आपका लिक्विड बेस है, इससे पहले भी मैंने एक, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, उससे थोड़ा सा लाइट था तो वो भी लिक्विड था, उसे भी मैंने यूज़ किया, वो फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया, मेरे पास बचा नहीं है, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ था। तो लिक्विड बेस पे जो मुझे न्यूड होते हैं ना, न्यूड लिपस्टिक्स होते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये इसका कलर भी बहुत प्यारा सा है, ये धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लगा दिया अपने हाथ पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लगा दिया, तो धीरे धीरे ये ड्राई हो जाएगा। तो तब तक मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट, कहाँ गया, ममाअर्थ का ये लिप बाम है। तो इसमें जो मैंने ख़रीदा है वो है चेरी टिंटेड। इसमें चार पांच अलग अलग शेड थे, तो मैं सही बता रही हूँ, जब मैंने इसको कार्ट में डाला हुआ था, अभी ऑर्डर नहीं किया था, एक दो दिन के बाद ऑर्डर किया, मैंने आज कुछ चीज़ें डाली, फिर कल मैं चेकआउट करने जो मुझे चाहिए था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरा शेड चूज़ किया, फिर मेरे किसी रीज़न से मैंने उस टाइम पे भी परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे और दो एक दो चीज़ें और ऐड करनी थी। फिर मैं नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया, फिर वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, फिर फाइनली बस एक ये शेड था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। तो ये चेरी टिंटेड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत डार्क सा होगा, तो मुझे लाइट शेड में लिप बाम चाहिए था, तो मुझे मजबूरी में ये लेना पड़ा। तो जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, मैं स्टोरी बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है,
तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मतलब लोग पागल हुए हैं, और इसकी प्राइस भी अराउंड 400 to 500 के बीच है। तो एक लिप बाम के ये मैं देखें तो फिर भी महंगा है, आपको लिप बाम बहुत ईजिली 100-150 में भी अच्छे ब्रांड के मिल जाते हैं, अच्छे लिप बाम मिल जाते हैं, लेकिन मैं इससे हैप्पी नहीं हूँ। रीज़न क्या है, ठीक है कलर तो उसमें दूसरे भी थे, ये आप इससे अप्लाई करो तो ये बिल्कुल लिपस्टिक सा आपको शेड देता है, और दूसरा जो इसका काम है ये लिप बाम है, लेकिन ये बिल्कुल भी ना मतलब बहुत ड्राई सा फील होता है। अभी तो मैंने लिपस्टिक लगाया तो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद मुझे फिर से वैसलीन अप्लाई करना पड़ता है, तो एक मॉइस्चर जो आपके लिप्स को मिलना चाहिए लिप बाम से वो इससे नहीं मिलता है। तो जो इसका मेन काम है आप उस पर्पस को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस वाले प्रोडक्ट से। तो मैंने शायद पहले भी एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर। तो आप अगर आपको दो मिक्स करके लगाना है, इसका शेड आपको पसंद है लाइट टिंटेड सा आता है चेरी टिंटेड, या फिर दूसरे इसके जो भी शेड है, लेकिन आपको इसके साथ में कुछ और मॉइस्चर अप्लाई करने के लिए, मॉइस्चर के लिए कुछ और भी अप्लाई करना पड़ेगा आपके लिए। जैसे मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ, इसे लगाती हूँ उसके ऊपर फिर वैसलीन अप्लाई करती हूँ। तो ये हो गया ममा अर्थ। इनकेस अगर आपको चाहिए होगा, पसंद हो इसका इसका शेड वगैरह, तो आपको मैं लिंक जो है वो तो मिल ही जाएगा आपको। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो वो है ये नायका का कलर करेक्टर। इसको मैंने अभी तक 2 से 3 बार यूज़ किया है। कलर करेक्टर एक्चुअली मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने कोई कलर करेक्टर यूज़ किया खरीदा। अब कलर करेक्टर में भी क्या होता है ना, 3-4-5 कलर होते हैं, ग्रीन होता है, रेड सॉरी ऑरेंज है, और भी 3-4 कलर होते हैं। तो मुझे ना जस्ट ऑरेंज चाहिए था, क्योंकि कलर करेक्टर का भी पूरा एक साइंस है कि आपके चेहरे के लिए कौन सा कलर करेक्टर चाहिए होगा। तो मुझे बस यहाँ डार्क सर्कल के लिए चाहिए, तो अगर ब्लैक स्पॉट के लिए ऑरेंज होता है, अगर रेड स्पॉट है आपके चेहरे पे तो उसके लिए ग्रीन। चलिए ये सब साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो जिसमें 2-3 का कॉम्बो था, तो वो मेरे लिए वेस्ट होता, क्योंकि मुझे बस ऑरेंज ही चाहिए था, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मुझे या फिर बहुत महंगे कुछ थे, तो मैंने ये नायका का जो चीप भी था और इसमें अलग अलग स्टिक्स में अलग अलग कलर्स थे, तो मुझे इजी हुआ कि चलो ठीक है मैं ये ऑर्डर करती हूँ। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं इसे अप्लाई करने के बाद में कंसीलर लगाती हूँ तो मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ऑरेंज कलर है इसलिए ऑरेंज, इसका ऑरेंज कलर करेक्टर है इसलिए इसका जो पैकेजिंग है वो ऑरेंज में है। नायका ये यहाँ से लिपस्टिक की तरह ओपन होता है, इस तरह से खुलता है। मैंने इसे 3 से 4 बार अप्लाई किया हुआ है, तो अच्छा प्रोडक्ट है, जिस प्राइस में मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग अच्छा है। अब मैं कोई और लूँ, कोई और दूसरे ब्रांड का लूँगी तो कभी कंपेयर करके आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगी, बट ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। इसके बाद अब आ जाता है लास्ट प्रोडक्ट, तो ये है लास्ट प्रोडक्ट जो कि है शार्लेट टिलबरी का। तो ये शार्लेट टिलबरी का मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया हुआ है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है रिव्यू का। तो मुझे चाहिए था एक अच्छा कॉन्टोर, मैंने पूरी कहानी बताई हुई है पहले, क्योंकि मैं कॉन्टोर से हैप्पी नहीं थी, मेरे पास पाउडर बेस्ड कॉन्टोर था और वो जब मैं अप्लाई करती थी अपने चेहरे पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती थी। मुझे एक एग्जैक्ट कॉन्टोरिंग जो मेरे फेस पे चाहिए था, लाइक अभी मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया, 5 किलो वेट मेरा जो है वो बढ़ा हुआ है, तो अब चेहरे का जो फैट है उसको छुपाने के लिए एक अच्छा कॉन्टोर चाहिए, तो पाउडर बेस वाला काम नहीं कर रहा था, मेरे पास 2 थे नहीं काम कर रहा था। तो फिर मैंने पहले मैंने ये वाला देखा, मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा पैसे स्पेंड करके देखते हैं, तो ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ा है, अराउंड 3400 के आसपास इसका प्राइस है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी मुझे बड़ी ही कम लगती है। जब जब मैं निकालती हूँ थोड़ा सा एक दो ड्रॉप मैं दिखा दूँ कैसा है, तो ये यहाँ से जो इसका ऐसे खुल जाता है, और यहाँ मैंने अप्लाई, ये पूरा वाइट था जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे ओपन किया हुआ था, तो यहाँ से ये एक लॉक ओपन होता है, इसको घुमा देने से ये खुल जाता है, उसके बाद अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट निकल के आता है। यूज़ करने के बाद अगेन आप इसे बंद कर दो, अदरवाइज दबने से और प्रोडक्ट आपका जो है वो लीक कर जाएगा। लेकिन इसमें ये है बॉक्स और इसका क्वान्टिटी मैं अगर बताऊँ आपको 12 ml है, और प्राइस MRP जो है वो 3650 रुपीज़, बट मैंने शायद इसके लिए 3400 पे किया था जैसा मुझे याद आ रहा है। तो ये हो गया इसका शेड, अगर मैं बताऊं, शेड तो यहाँ नहीं मेंशन है,
तो ये जस्ट आपने जैसा सुना 12 ml है, बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट है। अब मैं रोज़ मेकअप करती हूँ तो मुझे लगा कि भाई ये तो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, तो इसे मैंने रखा कभी कभी यूज़ करने के लिए, कहीं पार्टी वार्टी में कहीं जाना है अच्छे से मेकअप करना है तो, बाकी टाइम के लिए रोज़ के लिए मैंने ये, इसीलिए दो कॉन्टोर मैंने एक साथ ऑर्डर किया था। रीज़न ये था, ये चीप है ये सर महंगा है। तो ओवरऑल अगर इसके बात करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लिक्विड है कम्प्लीटली, थोड़ा सा मैं दिखाई देती हूँ। तो ये ऐसे ड्रॉपलेट्स ऐसा यूज़ होता है, उसके बाद आप पूरा पूरी तरह से, ये लिक्विड है और बहुत अच्छे से ये जो है आपके चेहरे, मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा इसका शेड जाता है। इसमें 2 या 3 शेड होंगे, मैं नीचे लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी। देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे स्किन पे, मेरे चेहरे पे बहुत अच्छे से जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत ईजिली, मतलब दूसरे प्रोडक्ट तो ना डैब 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 करके परेशान हो जाओ, इसको बस एक बार, ये आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो या फिर ब्रश यूज़ करो, बस 1 से 2 बार में ये बहुत अच्छे से एकदम, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है इस वाले प्रोडक्ट के लिए। तो मुझे मुझे पर्सनली, और ये देखो, ये मैं लिपस्टिक आपको दिखा दूँ, ये ड्राई हो चुका है तो इसका कलर भी आप देख लो, और दोनों ही अगल बगल में है। तो ये हो गया, बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। अगर आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक एज यूजुअल मैं हर प्रोडक्ट के बाद आपको बताती ही जा रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, बाकी डिटेल्स भी वहीं मिल जाएंगे। तो चलिए, ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। अब इस हॉल को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि साइड टेबल पर बैठे बैठे मेरे कमर की हो गई है हालत ख़राब। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।